दिल्ली में कोविड 19 के सक्रिय मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले एक महीने में सक्रिय मरीजों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई। पिछले दिनों 7 सितंबर को कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 20,909 बताई गई। इससे 30 दिन पहले यानी 8 अगस्त को दिल्ली में कोरोना के कुल 10,627 सक्रिय मरीज थे। महीने भर में सक्रिय मरीजों की संख्या दोगुनी होती दिखी है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली में तेजी से जांच और नए मामलों में बढ़ोतरी की वजह से ऐसा हुआ है। उन्होंने स्थिति को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। 6 जुलाई तक दिल्ली के अस्पतालों में 5,000 से कम मरीज भर्ती थे। राजधानी में मरीज बढ़ने और दूसरे राज्यों से गंभीर मरीजों के आने की वजह से अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली में भर्ती लगभग 30% कोरोना मरीज दिल्ली से बाहर के राज्यों के हैं। अस्पतालों में 66% मरीज बढ़ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के मरीज बढ़ने की वजह से अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या भी 66% बढ़ चुकी है। 8 अगस्त को अस्पतालों में कुल 3,058 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा था, लेकिन अब एक महीने बाद इनकी संख्या बढ़कर 5,101 हो चुकी है। इस हिसाब से एक महीने में अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए 2,043 और बेड फुल हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें, कई अस्पतालों में तो सभी ICU और वेंटिलेटर बेड भी फुल हो चुके हैं। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।